प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार चाहे लाख जतन कर रही हो, लेकिन नांगल चौधरी क्षेत्र में नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। क्रेशर जोन से हर दिन होने वाले प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने एनजीटी तक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन फिर भी क्रेशर संचालक मोटी कमाई के चक्कर में ग्रामीणों के जीवन से खिलवाड़ करने में बाज नहीं आ रहे। खतौली क्रेशर जोन में तो कई क्रेशर ऐसे हैं जिनके पास विभाग की ओर से CTO भी नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से चला रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा मिलने पर आज प्रदूषण विभाग की टीम ने औचक छापेमारी कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नांगल चौधरी क्षेत्र में इन दिनों क्रेशरों की भरमार लगी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक साल में 124 नए क्रेशरों को मंजूरी मिली, यानी हर तीसरे दिन एक क्रेशर को मंजूरी मिल रही है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में खनन होने की वजह से कृषि भूमि में धड़ल्ले से क्रेशर स्थापित हो रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय विधायक ने सदन तक में आवाज उठाई थी इस ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन कार्यवाही ढाक के तीन पाथी निकली। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि प्रदूषण विभाग इन बिना इजाजत के चलने वाले क्रेशरों पर कोई कार्यवाही भी करता है या इन्हें नोटिस तक देने तक ही सीमित रहता है। सोशल मीडिया पे शिकायत आई थी कि बगैर CTO के चल रहा है, तो उसकी इंस्पेक्शन के लिए आया था। यूनिट ने अप्लाई कर रखा है CTO के लिए, पहले टाइम फर्स्ट टाइम जो बोलते हैं CTE लेने के बाद, लेकिन अभी परमिशन मिली नहीं थी। कुछ लोगों पेड है वो एज पर नोटिफिकेशन 300 होने चाहिए, तो यहाँ पर जो फिलहाल जो लगे हुए हैं 34 या 35 लगे हुए हैं। तो क्या कार्रवाई रही है अब इनको? एज पर जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इनको पहले नोटिस देंगे और फिर जो एज पर एक्ट कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।